गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें। आज की क्लास में बेटा हम लोग ये बात करेंगे कि क्लास टेंथ में जो साइंस में 20 नंबर आपके कैसे आएंगे, 20 नंबर आप जो केमिस्ट्री से पा सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के क्लास में। तो एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी सेशन को शेयर और लाइक कर दो, ठीक है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच जाए, ठीक है। और एक बार सभी रिप्लाई कर दो कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार रिप्लाई कर दो कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। आज की क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे क्लास टेंथ में 90% कैसे आए। तो 90% लाने के लिए ये 20 नंबर मिल जाएगा आपका, तो बाकी आपको नंबर धीरे धीरे और बाकी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में 90% कैसे, ये 90% ये मत समझना कि आप सर क्या बात कर रहे हैं, 90% ही क्यों लाए, 90% ही हम क्यों लाए, 90% से ज्यादा लाना है, बिल्कुल ज्यादा लाना है बेटा आप लोगों को। तो 90% से ज्यादा लाना है तो याद रखेंगे, आप लोगों को बता दिया जाए कि जो केमिस्ट्री है आपकी, ठीक है, जो आपकी केमिस्ट्री है वो बोर्ड के एग्जाम में आएगी बेटा 20 नंबर की। और 20 नंबर का 90% आप सभी को मालूम होगा कि 20 नंबर का 90% यानी कितना हो गया, 18 नंबर। तो आज के वीडियो में केमिस्ट्री में 20 में से 18 नंबर आप कैसे पाएंगे इस बात पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी सेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं सबका केमिस्ट्री में 20 out of 18 आ जाए, ठीक है। जल्दी से बेटा 18 out of 20, 20 out of 18 है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप सभी किस क्लास के बच्चे हो, क्लास टेंथ के बच्चे हो, तो और क्लास टेंथ के बच्चे हो और केमिस्ट्री में टॉप करना चाहते हो, टॉप मतलब 20 out of 20 होता है, बट पहले हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कम से, 20 में से कितना लेके आना है हम लोगों को, मात्र 18 नंबर, 20 में से मात्र 18 नंबर लेके आने हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 20 में से 20, क्योंकि 20 में से 20.5 तो कोई नहीं दिला सकता। ये मैं किसी की भी कह सकता हूं कि 20 में से 20.5 तो कोई नहीं दिला सकता, लेकिन हम लोग का सबसे कम का टारगेट होना चाहिए कि 20 में से 18 नंबर कैसे आए। तो आज जो क्लास चले बेटा इसको समझ लो, इसके बाद आपके सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आएगा नंबर आपका। अब आप सबको मालूम है बेटा कि केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है, 4 चैप्टर ही खाली आप लोगों को पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, किसको पूरा याद रखना है, किसको थोड़ा याद रखना है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। किसके क्लास टेंथ में रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है और किसको कितना याद रखना है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण, तो हम इस पे भी बात करेंगे कि अम्ल क्षार और लवण में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या समझना है, क्या याद रखना है, किसको ज्यादा याद रखना है, किसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर आप जानते हो कि आपका कौन सा है, धातु एवं अधातु। इसमें भी हम लोग सेम प्रक्रिया पे काम कर रहे होंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो सारी चीजें बताएंगे। और जो चौथा चैप्टर है बेटा वो आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक। जो चौथा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो इस कार्बनिक यौगिक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आप सभी लोगों को याद रख बता दूं कि ये 4 चैप्टर जो हैं, ये 4 चैप्टर आपके मिला के कितने नंबर के आने वाले हैं बेटा, तो 20 नंबर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में इन 4 चैप्टर से 20 नंबर का आएगा। और इन 4 चैप्टर की हम इस तरीके से तैयारी करेंगे कि कम से कम इस 20 में से हमारा 18 नंबर जो कि 90% होगा वो कंफर्म हो जाए। इस 20 नंबर का 18% कंफर्म होना चाहिए। तो जितने बच्चे कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, आपको लाना 20 में 20 है, 20 में 20 लाना है, लेकिन केमिस्ट्री में
कम से कम जो हमारा स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी एक बार रिप्लाई करेंगे मुझे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 20 में से 18 या 20 में से 20 पाना चाहते हैं। और जो बच्चा 20 में से 18 या 20 में से 20 पाना चाहता है, कम से कम 18 पाना चाहता है, वो एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर देगा, ताकि इसके आगे की स्ट्रेटेजी हम लोग आगे बात करेंगे। इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे हम लोग शुरू करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, पर हम उसको भी लेके चलेंगे कि आपका रिवीजन हो जाए, और बाकी आगे के 2 चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। तो एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी सेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, ताकि क्लास आगे बढ़ाई जाए। और ये जरूर बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम जो कम से कम 20 में से कितना नंबर पाना चाहते हैं बेटा, केमिस्ट्री में 18, और ज्यादा से ज्यादा तो 20 में से 20 पाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी रिप्लाई करो, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा पहले चैप्टर की, जो कि हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में हमारी क्या क्या चीजें पढ़नी है हम लोगों को, तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज जो हम लोगों को पढ़नी है वो क्या है बेटा, कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। कुछ भी ऐसा लिखा होगा ए प्लस बी सी प्लस डी, ए बी C प्लस डी, या फिर A प्लस बी, ठीक है। ये जो है अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण होता क्या है, इस पे हम लोग को चर्चा करनी है। क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो सारी बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में। दूसरा, जब हम रासायनिक समीकरण लिख लेंगे तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमको सीखना है। रासायनिक समीकरण क्या होता है वो, फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये 2 चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या तात्पर्य होता है वो समझेंगे हम लोग, कि संतुलित रासायनिक समीकरण से हम क्या समझ रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन जो है वो कितने टाइप का होता है, उनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और प्रकार में अगर हम बात करें बेटा, तो प्रकार में कौन कौन से प्रकार आ जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया पढ़ा हुआ है आप लोगों ने तो आप लोगों को याद होगा, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, ये सारे अभिक्रियाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये जो सारी अभिक्रियाएं हैं, एक बार मैं फिर से आ जाता हूं यहां पे, जो ये सारी अभिक्रियाएं हैं इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, ठीक है, वियोजन, अपघटन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, एक बार पहले आप ये रिप्लाई करो। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार ये रिप्लाई करो, क्या ये अभिक्रियाएं, क्योंकि ये तो 2 चीजें इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक कि समीकरण को संतुलित करना, और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा, दूसरे नंबर पे आता है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है, ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो बैलेंसिंग है वो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है। बाकी सारी चीजें आपको बस याद रखते हुए चलनी है, लेके साथ में लेके चलना, ठीक है। जैसे अगर पनीर की सब्जी है और पूड़ी है, तो अभी बेटा नॉनवेज की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सावन चल रहा है, नहीं तो हम सीधे नॉनवेज की बात करते हैं। अभी जो पनीर की सब्जी और पूड़ी खाना है, साथ ही साथ अगर उसके बगल में आपके पास सूखी सब्जी रखी हुई है, तो ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, जल्दी से रिप्लाई करो, पनीर की सब्जी या सूखी सब्जी, किस पे ज्यादा फोकस करोगे,
नॉनवेज की बात अभी नहीं करेंगे, सावन चल रहा है एकदम, बिल्कुल बात नहीं करनी है इस पर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, पनीर की सब्जी पे। तो पनीर की सब्जी ये है पहले चैप्टर की, और सूखी सब्जी जो है वो ये है, बात समझ में आ रहा है। तो हम इन पनीर की सब्जी की बात कर रहे हैं, तो ये जितनी भी पनीर की वेराइटियां हैं, ये जो पनीर की जितनी भी वेराइटियां लिखी हुई है, ये सारी वेराइटी के बारे में आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, जितनी भी वेराइटी लिखी हुई है ना, ये सारी वेराइटी आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो कि नहीं बेटा। तो जितने बच्चों को ये चीजें, ये सारे टॉपिक क्लियर हैं, वो भी एक बार रिप्लाई करेंगे, और जिनको नहीं क्लियर है वो भी रिप्लाई करेंगे। लाइव में तो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कमेंट में भी रिप्लाई करेंगे कि सर हमको इन अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया नहीं समझ में आई या सारी समझ में आ गई, सारी चीजें आप लोग रिप्लाई करोगे, उस आधार पर आपको समझाया जाएगा। तो ये पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को रटने हैं, याद करने हैं, तैयार करने हैं, किस चीज के लिए, अगर आपको 20 में से कम 18 नंबर लेके आना है तो उसके लिए। तो जितने बच्चे लाना चाहते हैं वो सभी एक बार सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा अम्ल क्षार तथा लवण, अम्ल क्षार तथा लवण। और अम्ल क्षार तथा लवण की बात करें तो इसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे H प्लस और OH माइनस आयन, ठीक है, यहां पे माइनस का साइन होगा, ठीक है। H प्लस तथा OH माइनस आयनों के आधार पर अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है वो समझेंगे, उनकी परिभाषाएं देखेंगे, उनके सामान्य गुणधर्म देखेंगे, तथा उनके उदाहरण और उपयोग पे बात करेंगे, किसके आधार पर, H प्लस और OH माइनस के आधार पर। H प्लस और OH माइनस के आधार पर हम लोग अम्ल क्षार लवण की परिभाषा, उसके गुणधर्म, उदाहरण और उपयोग पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीएच पैमाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इसको भी, और ये बोर्ड के पेपर में आता ही आता है, तो इस पे बात करेंगे। पीएच पैमाना की अवधारणा, पीएच पैमाना है क्या, और दैनिक जीवन में हमारे पीएच का क्या महत्व है उस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग, बोर्ड के पेपर में बेटा इसमें से कोई ना कोई एक हर बार पूछा गया है। ये वाला जो है आपका, ये आप इसको जैसा भी हम लोगों ने लिखा, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो पीएच पैमाना और हमारे दैनिक जीवन में है, ये हमारा दूसरे नंबर का हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी तो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक, जैसे मैंने बोला ना पनीर की सब्जी पे फोकस ज्यादा रहेगा, लेकिन साथ में जो चटनी और सलाद रहेंगे उसको भी तो खाते हुए रहेंगे ना, कि उसको छोड़ देंगे, चटनी सलाद नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। और खास करके सलाद में अगर टमाटर हो, तो इस समय अगर कहीं जाओ और सलाद में टमाटर मिल जाए तो उसको तो एकदम मत छोड़िएगा, हम तो कहेंगे दो चार जेब में भर लीजिएगा, ठीक है। तो अम्ल क्षार तथा लवण में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सभी को क्लियर है, जितने बच्चे देख रहे बेटा सभी एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि इसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको डाउट है, वो सारी चीजें आपको क्लियर कराई जाएंगी, क्योंकि ये एक बार आप दोनों चैप्टर पढ़ चुके हो, ये दोनों चैप्टर आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, इसलिए जितने बच्चे देख रहे हैं सभी कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि बेटा जो लाइव चैट चल रहा होता है, लाइव चैट में बहुत तेजी से आप लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं, तो वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जितने बच्चे देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे कि सर कौन कौन सा टॉपिक आपका एकदम क्लियर है, किस टॉपिक में थोड़ा बहुत डाउट है और किस में ज्यादा डाउट है। हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे, अगर किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो जरूर बता देगा। कहां बता देगा बेटा, सामने तो बैठे नहीं हो कि सर ये वाला आप जो बताए ना, ये वाले में दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, कमेंट करना होगा, कमेंट करोगे तभी हमारे तक पहुंचेगा और मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है हमारा, वो धातु एवं अधातु, ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर रहेगा, इसको एकदम शुरू से पढ़ना है, एक एक वर्ड आप लोगों को क्लियर कराते हुए चलेंगे। और धातु एवं अधातु में हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, धातु और अधातु के गुणधर्म, मतलब उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है, उनके आधार पर हमको बातें करनी है। उसके बाद आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, उनके निर्माण और गुणधर्म पे बात करेंगे। सक्रियता श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, और केवल बोर्ड के ही पर्पज से नहीं, अगर ये सक्रियता श्रेणी आप अभी याद रखोगे तो क्लास ट्वेल्थ में भी आपको काम आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद धातु कर्म की आधारभूत विधियां, धातु कर्म की आधारभूत विधियां के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार पहले आप सभी जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार रिप्लाई करो कि क्या चीजें आप लोगों को क्लियर है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो तभी समझ में आएगा जब आप सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर मिला होगा उसके अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि आपको चीजें पढ़नी है उसी तरीके से पढ़नी है, ठीक है। जल्दी से सभी के सभी बेटा एक बार सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। ठीक है, जल्दी से संचारण तथा उसका निवारण, संचारण तथा उसका निवारण, ये चार पांच टॉपिक जो हैं ये आपके किसके हैं बेटा, संचारण तथा उसका निवारण लास्ट टॉपिक था। तब तक थोड़ा सा आप लोग रिप्लाई करो। ठीक है, सक्रियता श्रेणी, धातु के आधारभूत, संचारण तथा उसका निवारण, ये पांच टॉपिक मेन हैं जो कि हमारे अम्लक्षार सॉरी धातु एवं अधातु चैप्टर से हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका जो है वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका सक्रियता श्रेणी है। इसको जरूर याद रख लेना है, इससे एमसीक्यू बहुत पूछे जाएंगे, एमसीक्यू सक्रियता श्रेणी से बहुत पूछे जाएंगे, तो इसको तैयार रखना है। संचारण तथा उसका निवारण पढ़ना है आपको, बाकी सारी चीजों पर आपको बातें करनी भाई मेन है। तो ये तो बात करेंगे ही ना कि धातु अधातु है क्या, उनके गुण क्या होते हैं, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, तो ये तो चीजें हमको याद ही रहेंगी। ये जिन टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं वो तो हमको याद रहेगा, लेकिन किसको याद कर लेना है वो मैं आपको समझा रहा हूं, किस टॉपिक को आपको एकदम याद कर लेना है। अगर ये याद कर लेते हो तो बाकी बच्चों से आप थोड़ा सा आगे हो जाओगे। अगर आपको बाकी बच्चों से आगे होना है तो जिन जिन टॉपिक पे मैं फोकस कर रहा हूं वो तो आपको पक्का याद कर लेना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, तो वो याद नहीं करते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं। अगर ये चीज आप तैयार कर लेते हो जिस जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं, बाकी तो तैयार सारे करने हैं, तैयार सारे बच्चे सब पढ़ेंगे, लेकिन जिसको मैं कह रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आप लोग तैयार कर ले, ताकि आपका मिनिमम कम से कम जो 18 नंबर हो 20 में से वो पक्का हो जाए। और जितने बच्चे 20 में से 18 पाना चाहते हैं, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, वैसे लाना तो आपको 20 में से 20 है, लेकिन अगर कम से कम 20 में से आप 18 भी पाना चाहते हो तो जितनी चीजें समझाई जा रही है उसको आप एकदम क्लियर से चढ़ेंगे, एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा आपको, तो उस चीज पे आप जरूर ध्यान देंगे। और जो बच्चे अभी भी देख रहे हैं बेटा, सभी के सभी सेशन को शेयर और लाइक करते हुए चलो। लास्ट में मैं बहुत काम की चीज बताने वाला हूं, किस चैप्टर के लिए, कार्बनिक यौगिक के लिए। अभी लास्ट में जो हम लोग बात करेंगे कार्बनिक यौगिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आपको, और उससे रिलेटेड एक चीज और बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, मददगार होगी, किस चीज के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध क्या होता है उसकी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति की बात करेंगे, मतलब ये कहीं से भी जुड़ सकता है, ठीक है। सजातीय श्रेणियों की बात करेंगे, प्राकृतिक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की बात करेंगे, जैसे हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन आदि के नाम पद्धति पे बात करेंगे। ये वेरी और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी टॉपिक के लिए लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, अगर उस चीज पे आप फोकस कर लोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ये टॉपिक आपका अपने आप तैयार हो जाएगा, जिसमें बच्चों को डाउट होता है कि सर कैसे, क्यों, क्या, कैसे तैयार करें, सर बहुत ज्यादा चीजें हो जा रही हैं, कैसे इतने ज्यादा एग्जाम्पल याद करें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ये टॉपिक की आपकी, ठीक है। उसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर हम लोग पढ़ेंगे बेटा,
साथ ही साथ कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जैसे दहन कराने पर क्या होता है, उनका ऑक्सीकरण कराने पर क्या होता है, उनका संकलन कराने पर क्या होता है, उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में नहीं, धीरे धीरे क्लासेस में, लेकिन कैसे पढ़ना है वो आप लोग एकदम फोकस करके रखोगे, ठीक है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते हुए चलेंगे, और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कार्बनिक यौगिक में मेन पॉइंट हम लोग पे क्या बात करनी और उसका प्लस पॉइंट क्या है हमारे लिए। उसके बाद एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल के केवल गुणधर्म और उपयोग इस बार आप लोगों को पढ़ने हैं। इस बार केवल और केवल एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म और उनके उपयोग पढ़ने हैं। साथ ही साथ साबुन और अपमार्जक पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? साबुन और अपमार्जक। लॉन्ग में जो 6 नंबर का प्रश्न आता है उसमें पूछ लिया जाता है साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो चीजें बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है, कैसे हैं, क्या है टॉपिक, वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कराई जाएंगी, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका आ जाएगा वो आपका क्या क्या आ जाएगा बेटा? तो IUPAC आ जाता है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट में। उसके बाद सजातीय श्रेणी आ जाती है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं आ जाती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी चीजें जो हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंतर, नामकरण, ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है इस चैप्टर में, तब कहीं जाकर आप 18 नंबर पा पाओगे 20 में से। और कैसे समझना है, क्या समझना है, क्या प्लस पॉइंट है बेटा, तो वो याद रखेंगे हम लोग कि हम लोग आज ही सुबह 6 बजे की क्लास में आप लोगों को ये जो आपका अल्कोहल, हेलोजन, कीटोन, एल्डिहाइड, इनका जो नाम पद्धति है यानी जो नामकरण है, इस पे हम लोगों ने चर्चा की है। आज सुबह की ही क्लास में हम लोगों ने इस पे चर्चा की है, किस पे? IUPAC पे। तो अगर आप वहां पे वीडियो को उस पे देख लेते हो, तो जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे, जब इस चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे होंगे, तो ये चैप्टर का ये IUPAC वाला टॉपिक जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया गया है, ठीक है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया गया है। तो वो चीजें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज पर आप लोग जरूर फोकस करेंगे। सुबह 6 बजे वाला जो वीडियो है आप लोगों का बेटा शुभम क्लासेस पे, उसको आप लोग जरूर देखोगे। किस लिए? तो जिससे आप लोगों का IUPAC क्लियर हो जाए। और जो बच्चे देख चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पे नोटिफिकेशन गया होगा तो वो देखे होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं देखे हैं सुबह 6 बजे वाला वीडियो, वो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें आपका ये जो IUPAC का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, 10th लेवल और 12th लेवल दोनों का क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। इस चीज पे आप जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। और जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आप सभी के सभी एक बात जरूर रिप्लाई करिएगा मुझे कि ये जो 2 चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, रासायनिक अभिक्रिया और अम्ल क्षार और लवण, इसका रिवीजन के बाद हम लोग नया चैप्टर जो है वो कौन सा स्टार्ट किया जाए, इस पे आप लोग जरूर बताइएगा कि धातु और अधातु तैयार स्टार्ट किया जाए या कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर तैयार किया जाए वो जरूर आप लोग बताएंगे। और जो बच्चे अभी तक, जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें से जो बच्चे अभी तक आपका बेटा शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से नहीं जुड़े, टॉप 100 बैच से अगर जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो बच्चे जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और जुड़ने की फीस जो है बहुत कम है बेटा, कितनी है तो मात्र 1499 रुपए। और इस 1499 रुपए में आपको सभी विषयों की पूरी 1 साल तक की तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर, संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल रहे होते हैं। कैसे जुड़ना है, क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके शुभम क्लासेस ऐप,
वहां से अपना बैच चुनना है क्लास 10 और वहां जाके आप पेमेंट कर सकते हो ये मात्र 1499 रुपए का। और अगर वहां पेमेंट करने में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो ये जो नंबर ये स्क्रॉल हो रहे हैं नीचे स्क्रीन पर, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक एक चैप्टर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे बेटा, जो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के बाद शुरुआत करने वाले हैं वो किस पे हम लोग बात करेंगे बेटा, वो आपका रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर के रिवीजन से हम लोग शुरुआत करेंगे। और तो जितने बच्चे देख रहे हैं उनके लिए एक मेरे तरफ से आप रिक्वेस्ट समझ लो, क्योंकि जब तक आप वो टॉपिक नहीं मुझे क्लियर करोगे कि जो टॉपिक आपका क्लियर है कौन सा नहीं क्लियर है, तो जो टॉपिक आपके नहीं क्लियर होंगे उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसीलिए जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि सर ये वाला टॉपिक मेरा पूरा क्लियर है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें ज्यादा डाउट है, ये टॉपिक जरूर आप लोग क्लियर, ये चीज आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे। लाइव चैट में क्या है कि चीजें स्क्रॉल होती जाती हैं, तेजी से आप लोग कमेंट करते हो तो वो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्पेशली कमेंट करके आप बताओगे कि आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे समझाना है, कौन सा समझ में आ गया सर खाली इसको ऊपर ऊपर बता दीजिएगा, क्योंकि रिविजन कर रहे हैं ना बेटा, सामने बैठे रहते तो आप ऐसे ही बता देते सर ये तो आ रहा था हमको, ये मत बताइए इसके बाद वाला बता दीजिए। तो इसलिए आप लोग जितने बच्चे देख रहे हो सभी ये चीज जरूर कमेंट करेंगे और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखेंगे, इसके बाद हम लोग मिलेंगे पहले चैप्टर के रिविजन के साथ। तो सभी के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।